आजकल हर कोई नेल फैशन या नेल आर्ट में इंटरेस्टेड है। न्यू डिजाइन्स और पैटर्न्स इतने प्रिटी होते हैं कि हर कोई इसे ट्राई करना चाहता है, पर बहुत सारे लोगों को नेल्स ग्रो करने में ही प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो नेल आर्ट ट्राई नहीं कर सकते। जैसे कि अक्सर नाखून बढ़ते नहीं या फिर बढ़ते समय वो अपने आप ही टूट जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको नेल्स किस तरह से स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग कर सकते हैं वो बताएंगे। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, नेल्स लॉन्ग करने के लिए पहले उन्हें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आपके नेल्स अक्सर टूट जाते हैं जिस वजह से वो बड़े नहीं होते, और नेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन्स और प्रोटेक्शन जरूरत है। सबसे पहले आपको अपनी नाखून से जुड़ी हुई सारे बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि नाखून चबाना या ज्यादा एक्रेलिक जेल्स और नेल पॉलिश स्क्रब करके निकालना, क्योंकि इन सब से आप अपने नाखून की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, उन्हें कमजोर और नाजुक भी बना रहे हैं। आपके नेल्स को स्मूथली ग्रो करने के लिए विटामिन एच, ए, सी, B9 जो कि फॉलिक एसिड है, बहुत हेल्प करते हैं। अलग अलग फूड्स जैसे कि बनानास, एग्स, मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, बीट, टमाटोज, ऑरेंज, लाइम, लेमन, स्ट्रॉबेरीज आपको विटामिन दे सकते हैं, जिसको लेने से आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छे से होगी। जिस तरह से आप अपने हेयर और स्किन की केयर लेते हैं, उसी तरह आपके नेल्स को भी केयर और नरिशमेंट की जरूरत होती है। आप ऑरेंज जूस और ऑलिव ऑयल को हीट कर लें और अपने नेल्स को उसमें सोक करने के लिए रखें 10 या 15 मिनट तक, और फिर अच्छे से धो लें। या फिर जब आप अपने बालों में कोकोनट ऑयल लगाते हैं, तभी थोड़ा सा ऑयल अपने फिंगर्स पर भी लगाकर उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इससे आपके नाखून स्ट्रॉन्ग और जल्दी ग्रो होंगे। आप एग, बीन्स, ओट्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सालमन, जिसे फ्रेश वाटर फिश भी कहते हैं, इन जैसे खानों को खाने से भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये थे कुछ तरीके और टिप्स जिससे आप बड़े और मजबूत नाखून पा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं नए और बेहतरीन नेल आर्ट्स। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।